चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आत्मचिंतन के क्षण। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश देने खड़ा हुआ हूँ और वह यह है कि तुम कभी किसी अनीति एवं अविवेक युक्त मानवता या परंपरा को अपनाने की बौद्धिक पराधीनता को स्वीकार न करना संभव है। इस संघर्ष में तुम अकेले पड़ जाओ। तुम्हें साथ देने वाले लोग अपने हाथ सिकोड़ ले, पर तो भी तुम साहस न हारना। तुम्हारे दो हाथों सो हाथ के बराबर है। इन्हें तान कर खड़े हो जाओगे तो बहुमत द्वारा समर्थित होते हुए भी कोई मुट्ठा तुम्हें झुकाने के लिए विवश न कर सकेगी। जब तक तुम्हारी देह में प्राण शेष रहे, सत्य के समर्थ और विवेक के अनुमोदन का तुम्हारा स्वाभिमान न गले, यही अनंत में तुम्हारे गौरव का आधार बनेगा। बच्चे, जब तक तुम्हारे हृदय में उत्साह एवं गुरु तथा विश्वास ये तीनों वस्तुएं रहेगी, तब तक तुम्हें कोई भी दबा नहीं सकता। मैं दोनों दिनों दिन अपने हृदय में शक्ति के विकास का अनुभव कर रहा हूँ। हे साहस बालकों, कार्य करते रहो। इस दानशील देश में हमें पहले प्रकार के दान के लिए अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के लिए साहस पूर्वक अग्रसर होना होना होगा और यह ज्ञान विस्तार भारत की सीमा में ही आबद्ध नहीं रहेगा। इसका विस्तार तो सारे संसार में करना होगा और अभी तक यही होता भी रहेगा। जो लोग कहते कि भारत के विचार कभी भारत से बाहर नहीं गए, जो सोचते हैं कि मैं ही पहला सन्यासी हूँ जो भारत के बाहर धर्म प्रचार करने गया, वे अपने देश के इतिहास को नहीं जानते। यह कई बार अधिक हो चुका है। जब कभी भी संसार को इसकी आवश्यकता हुई, उसी समय इस निरंतर बहने वाले आध्यात्मिक ज्ञान स्रोत ने संसार को पलावित कर दिया। पंडित श्रीराम शर्मा